आजमगढ़ दीपावली पर मिलेगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा। मुख्यमंत्री आजमगढ़ लखनऊ से गाजीपुर तक निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की प्रगति का हाल जानने पहुंचे आजमगढ़ के किशनदासपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, देश के विकास के मामले में पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ गया था। इस रोड के बनने से क्षेत्र का विकास होगा। सीएम ने कहा कि निर्माण की प्रगति सेवा से संतुष्ट है। दिवाली तक लोगों को इस रोड का लोकार्पण करके तोहफा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय व हवाई पट्टी भी जल्द शुरुआत की जाएगी। कुल 341 किलोमीटर तक प्रस्तावित इस मार्ग को आजमगढ़ के 4 तहसील के 101 गांव से गुजरना है। लखनऊ समेत 8 जिलों से इस रोड को जाना है, जिससे आजमगढ़ में करीब 65 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। मुख्यमंत्री ने इस मार्ग को 20 अगस्त 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया था। हाल की जनपद में 906 हेक्टेयर में फिलहाल 888 हेक्टेयर का अधिग्रहण हुआ है। सीएम पहले भी किसानों से भूमि के अधिग्रहण व मुआवजे के विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दे चुके हैं। इसमें आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से समीक्षा बैठक ली। इसके अलावा सीएम ने पुलिस समेत अन्य अधिकारियों से कानून व्यवस्था व विकास योजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवाल। क्वालिटी के मामले में एक ईंटा भी कहीं खराब होगा तो तुरंत मिल जाएगा और वो उसमें पेमेंट भी रुक जाता है। हट के जब तक हट नहीं जाएगा और अगर स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ी होगी तो तोड़ के फिर डिसमेंटल किया जाएगा पूरा। क्वालिटी के मामले में एक ईंटा भी कहीं खराब होगा तो तुरंत मिल जाएगा और वो उसमें पेमेंट भी रुक जाता है। हट के जब तक हट नहीं जाएगा और अगर स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ी होगी तो तोड़ के फिर डिसमेंटल किया जाएगा पूरा। स्वागत करता हूँ पूर्वांचल और उसमें भी वाराणसी और गोरखपुर के मध्य का ये क्षेत्र जो विकास के पायदान पर पिछड़ गया था उसके विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी आजमगढ़ जनपद में किया था। हम लोगों ने जो टाइमलाइन तय की थी यह प्रोजेक्ट उस टाइमलाइन के अनुसार चल रहा है। उसकी प्रोग्रेस को देखने कार्यदायी संस्था और स्थानीय प्रशासन के बीच में बेहतर तालमेल हो इस दृष्टि से आज मैं विशेष रूप से मौके पर आकर के ही इस समीक्षा को भी यहाँ पर अभी लिया हूँ।